खबर जो आ रही है वो आपको बताएं, सीजे इंद्रजीत महंती की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कंफर्मेशन टेस्ट में सीजे महंती की रिपोर्ट नेगेटिव। आरयूएचएस लैब में कल कराई जांच, रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, लेकिन इसके बाद दूसरा सैंपल टेस्ट के अंदर पाया गया नेगेटिव। ऐसे में सीजे की कोरोना रिपोर्ट को लेकर हो गया था कंफ्यूजन। एहतियातन चिकित्सा विभाग ने आला अधिकारियों के निर्देश पर कराया आज कंफर्मेशन टेस्ट। इस टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ही देर पहले आई नेगेटिव। इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग का तर्क, आरटीपीसीआर टेस्ट में भी 70 से 80% तक होता है एक्यूरेसी। पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया गया कंफर्मेशन टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो ये बड़ी खबर, सीजे इंद्रजीत महंती की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कंफर्मेशन टेस्ट में सीजे महंती की रिपोर्ट नेगेटिव। आरयूएचएस लैब में कल कराई जांच, रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन इसके बाद दूसरा सैंपल टेस्ट के अंदर पाया गया नेगेटिव। ऐसे में सीजे की कोरोना रिपोर्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो गया था। एहतियातन चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के निर्देश पर आज कंफर्मेशन टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट की रिपोर्ट कुछ देर पहले ही आई नेगेटिव। इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग का तर्क भी सामने आ गया है, आरटीपीसीआर टेस्ट में भी 70 से 80% तक होता है एक्यूरेसी, और अब पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट कराया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आपको बता रहे हैं, सीजे इंद्रजीत महंती की कोरोना रिपोर्ट को लेकर ये अपडेट। हेल्थ डिपार्टमेंट के कंफर्मेशन टेस्ट में सीजे महंती की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल एक टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया था, लेकिन आज कंफर्मेशन टेस्ट की रिपोर्ट कुछ देर पहले ही आई जो कि नेगेटिव है। और विकास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सीजे इंद्रजीत महंती की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है कंफर्मेशन टेस्ट में, क्या कुछ आपके पास अपडेट इस पूरे मामले में? खुशबू, देखिए सीजे इंद्रजीत महंती की जो रिपोर्ट है उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन हुआ था सुबह। उस वक्त हुआ जो कल देर रात को जो चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट आई थी, जो सार्वजनिक की गई रिपोर्ट, जिसमें इंद्रजीत का नाम था और उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन उनका जो सेकंड टेस्ट की टेस्टिंग रात को हुई थी वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके चलते बड़ा कंफ्यूजन हो गया था और एक कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर 12 घंटे के अंदर एक व्यक्ति की रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर पूरे पहले पॉजिटिव आती है फिर नेगेटिव आती है, इस तरह का बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ऐसे में चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से कंफर्मेशन टेस्ट कराया, जिसके अंदर उनकी रिपोर्ट कुछ ही देर पहले रिपोर्ट आई है जो कि नेगेटिव आई है। इसके चलते और साथ में जो हम अपडेट आपको ये भी कर दें कि हाईकोर्ट के अंदर से कल जो उठाए गए सैंपल थे वो तमाम सैंपल जो वो भी उनकी भी रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आई है। तो जो हाईकोर्ट के अंदर एक खौफ की स्थिति पैदा हो गई थी कोरोना को लेकर के, उसको लेकर के लोगों में काफी राहत की खबर है कि कल को जो सैंपल उठाए गए थे उनकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव है, और साथ में जो चीजों को लेकर के जो चीज सामने आई थी उनकी रिपोर्ट को लेकर जो कंफ्यूजन सामने आया था उसको लेकर के भी चिकित्सा विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और ऐसी कोई बात नहीं है। जो कल जो टेस्ट कराया गया था पॉजिटिव का उसको लेकर उन्होंने बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट होती है उसकी एक्यूरेसी भी 70 से 80% ही होती है, साथ ही कई बार सैंपल कलेक्शन की जो एरर होती है वो भी दिक्कतें पैदा कर देती है। ऐसे में कंफर्मेशन टेस्ट कराया गया था जिसके अंदर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव। चलिए बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अच्छा।